गया भाई? ब्रैकेट यहाँ पे एक्चुअली जब अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए, लेकिन ये कर्ली लगाते जितना बड़ा लगा दे ब्रैकेट का इतना बड़ा इशू में नहीं है, कोई सा भी आप लगा दें। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब हम फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे ये क्या है, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इक्वल टू ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक्स है तो इन जगह पे एक्स आएगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिखें इसको, इसको एक्स मान लो सारे को, इसको एक्स मान लें तो क्या होगा, फंक्शन ओ एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री फंक्शन ओ एफ एक्स प्लस, ठीक है, याद है समझ में आ रहा। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस थ्री, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अब वो रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस, इसका और स्क्वायर खोल लो आप, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेट रिलेशन फंक्शन में कुछ नहीं है, आपके बहुत मेहनत करके पढ़ाया गया, आप आठ को वैसे नहीं पढ़ाया गया, तो चलो भाई चलते फिरते पढ़ा दो आपको, ये थोड़ा बोरिंग लगता है, बैड स्ट्रक्ट है ये कंसेप्ट है, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन काम नहीं, थिंकिंग अप्रोच आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, आप जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इनमें नहीं आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जियोमेट्रिक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज डिफाइन ऑन, इफ एफ एक्स इज डिफाइन ऑन, इंटरवल है हमारा जीरो और वन, बाय द रूल By the
to fx equal to x if x belong to q 1 minus x if x does not belong to q prove that f of f x equal to x for all x belong to 0. Now follow the symbol. हमें वैल्यू निकालनी इसकी, Q का मतलब क्या है यहाँ पे Q बताइए पहले। हाँ भाई, यहाँ पे Q क्या लिखा मैंने? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P अपॉन Q होगा, ठीक है। f o f x इक्वल टू हम इसको ऐसे लिखेंगे f और f x, ठीक है। इंटरवल ये चलेगा, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप जैसे तो हम पजल हो जाएंगे, इसमें हम एक काम करते हैं, दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, x belong to, पहले हम मान के चल रहे कि x जो है किस में है, q में है। अब x अगर q में है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? उनमें देखो x q के लिए कौन सा दिया हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? x आएगी और माइनस x, x आ गई, उसको हम ऐसे दोबारा से लिख सकते हैं एफ एक्स। और फिर जो हम मान के चले हुए क्या कि x belong to q, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अभी भी क्या आई? x आ। केस फर्स्ट में तो वो चीज़ ट्रू हो, इंटरवल वही है ये 0 से 1 के लिए, ठीक। सेकंड कंडीशन हम मानते हैं, केस सेकंड, लेट x does not belong to q, यानी कि x q में नहीं है, यानी कि हो सकता है x की वैल्यू ये हो, रूट थ्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में चलते हैं, f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एफ एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, जब x क्या है, इरेशनल है, x क्या है, यानी कि ये आएगी, यही आएगी ना, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इसकी वैल्यू, यहां पे अगर आप देखें, अगर x इरेशनल है तो 1 माइनस x क्या होगा? इरेशनली होगा, ठीक है। अब जब जरा इरेशनल है तो क्वांटिटी कौन सी आएगी दोबारा, फिर यही आएगी, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल और इक्वल टू एक्स, ठीक। प्रूव हो गया।
Thus, in case first and second, it's true. Prove that. ये आना था फॉर ऑल x के लिए प्रूव करना था. फॉर ऑल x का मतलब जब x इसमें है तब भी और जब x है इसमें. पिछले दो कंडीशन दोनों के अलग अलग ही समझ रहे. जब x इसमें है तब भी प्रूव कर दिया कि x ही आया और जब x इसमें है तब भी प्रूव कर दिया कि x ही आया. यही तो प्रूव करना था तुम्हें. IIT में आया हुआ क्वेश्चन है. लिख लो पहले गूगल क्वेश्चन का नंबर ग्रुप पर साफ.
लिख लिया। देखो मेन चीज़ थोड़ी सी बस पता ये कर दूँ कि ये जो फंक्शन है जो इसको हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यही तो वैल्यू निकालनी ना हमें पहले। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किए हुए आपने से, तो क्या क्या जा सकता है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन में? पहले भी आए होंगे अगर साइन स्क्वायर में है तो उसको किस चीज़ में चेंज करते हैं? जब भी हम x के साथ कहीं फंसा देखते हैं और उसे नॉर्मल टर्म बनाते हैं तो साइन को हम चेंज करते हैं कोस में, तो कोस में कैसे चेंज करेंगे? अगर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करेंगे जैसा का जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं जाता। यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन में फार्मूला, ये होता है ना, तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन, यानी कि यहाँ जो एंगल है उसका डबल। उसी बिहाव पे हम फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन, उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 एक्स प्लस 2π/3 अपॉन 2। ठीक है, वो स्क्वायर में है नहीं, उसको दो तो लिख लेते हैं, कोस एक्स प्लस 5π/3। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, अगर इसमें से 1/2 कॉमन ही ले लें, 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 माइनस कोस 2x प्लस 2π/3 प्लस 2 कोस एक्स प्लस 5y, ऐसे लिख सकते हैं नहीं होता। यहाँ क्या किया इसमें, 2 की गुना की, 2 से भाग किया और जो भाग वाला 2 है उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, वन बाई टू, 1 और 1 कितने हो गए, 2 माइनस इसमें से अगर हम कॉमन लें यहाँ पे कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2π/3। सी प्लस कोस डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी हो तो कोस सी माइनस डी का होता है। फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू, ठीक, और cos c माइनस डी 2x माइनस 2x माइनस 2π/3
बाई टू प्लस टू कोस ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, यानी कि माइनस फाइव बाई थ्री यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वन बाई टू 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 एक्स, और टू एक्स कितने होंगे? या ऐसे कर लो, इन सब टू से टू कटेगा कॉमन लेकर, एक एक्स और एक एक्स कितने हुए? दो एक्स, टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, टू कोस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, टू एक्स कैंसिल, इस टू से टू थ्री कोस माइनस फाइव थ्री, और कोस माइनस फाइव थ्री की वैल्यू क्या होगी? कोस माइनस फाइव थ्री, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना, और ये आएगी ना वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वन बाई टू लिख दूँ, सारी वैल्यू वन बाई टू तो होगी प्लस, ये क्या है कोस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, और ये कितना आएगा? ये भी कोस फाइव बाई थ्री आ गया। ठीक है, और इस टू से तो ए टू कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा? वन बाई टू टू माइनस कोस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री आ गया, इस टर्म से तो धनाया, प्लस कोस एक्स प्लस पाई थ्री। ठीक है, यहाँ तक आया प्लस कोस पाई बाई थ्री, प्लस कोस पाई बाई थ्री, इससे ये कैंसिल हो गया, वन बाई टू टू माइनस टू प्लस कितना हो जाएगा? वन बाई टू, इसकी वैल्यू दो में चार, अरे पाँच बटे ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई? किसकी वैल्यू आई? ठीक है, देन जीरो, और जी फाइव फोर की वैल्यू क्या है? ये हमें निकालना, क्या हमें निकालना? जी ओ एफ एक्स, इसका मतलब क्या निकलेगा? जी एफ एक्स, एफ फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? फाइव बाई फोर, और जी बाई फोर की वैल्यू कितनी दी हुई है? वन। आंसर कौन सा आएगा? समझ में तो आ गए? देखो जितने क्वेश्चन करते चले जाओगे उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स कंपटीशन में इस तरह का आता है, उसमें आपके कई टॉपिक्स इनपुट हो जाते हैं, इसमें क्या लग गया आपकी ट्रिग्नोमेट्री लग गई।
लिया? यस सर। हरीफ सर के बराबर में बैठे हुए उनसे पूछ लेंगे, वही है यहाँ टी सी जो में है। देखते हैं ना अजय सर ने, उन्होंने ही फ़ोन किया था, उनसे पूछ लूँगा। मेरा नाम नहीं चला सर, कैसे पाना पूछा हो तुम्हारे भी जो फ़ोन किया था वो तुम देखो ना क्या भाई, जो भी है अपनी समस्या अपनी रखो तो आप लोग, अगर समस्या नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा। आपकी शिक्षा ग्रहण करा रहे कर रहे आप लोग निःशुल्क भी पढ़ा रहे सारी चीज़ें को सरकार कह रहे। अगर यहाँ मान लिया बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे तो उसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अगर कोई किसी को राजनीति करनी चाहिए तो बता दें, एक बार आप अपना बात कर लें कि सर हम आए या नहीं आए, जैसा भी है आप अभी करना, अभी लेक्चर के बाद करना, लेक्चर के बाद कभी चले जाएँ तो नहीं बुला लो, नहीं बात कर लो या वहीं कर लिया जाएगा। मैं भी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कभी कभी फिर वो निकल जाए। Does not exist. Only option one. ठीक है। If f such that r to r एक function है और function दिया है 3x minus 5, तो हमें ये f inverse x निकलवा रहा। हमने बताया था किसी भी function का inverse तभी possible है अगर वो 1-1 on true, यानी कि वो बाइजेक्टिव। ठीक है, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, जब हमें इनवर्स फंक्शन निकालना हो, गिवन है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई, लिख सकते हैं नहीं, ये वाई है एक्स की टर्म में। ठीक, अब हमें लिखना है x को y के टर्म में, x को किसके टर्म में लिखना y के, यानी कि x को एक साइड में रखो सिर्फ और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ भी। कैसे लिख सकते हैं y प्लस 5 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, y प्लस 5 अपॉन 3। अगर x को मैं y लिख दूँ, ये इसके बाद x यहाँ को क्या लिखेंगे हम, एफ इनवर्स y, यानी f, हाँ f इनवर्स x, y की जगह x चेंज कर देते हैं। ठीक है,
क्या टर्म आई इसकी इनवर्स की? एक्स प्लस थ्री, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको वाई की टर्म में लिख देंगे, एक्स को चेंज करेंगे वाई की टर्म में और वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स। ठीक, ये भी आया कि नहीं आया हुआ क्वेश्चन? कौन सा सर? ये फाइव है, ये एक्स प्लस फाइव है वाला। फंक्शन ऑफ एक्स को हम क्या लिख लेते हैं? वाई भी तो लिख लेते हैं ना, इसका मतलब ये हमें ये भी पता है ना कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? वाई। तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं? नहीं, ये बताओ कर लिख सकते हैं ना। अब वाई बराबर हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी, इसको बनाना हमें एक्स में, एक्स एक तरफ रखेंगे बाकी चीज़ों को दूसरी, या कह सकते हैं वी रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म ऑफ वाई टू गेट इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ऐसे लिख लो, वाई 3x इक्वल टू फाइव प्लस वाई, या इसको y प्लस फाइव कुछ भी लिखो, x इक्वल टू क्या आ गया y प्लस फाइव। x की वैल्यू क्या है वहाँ पे? f इनवर्स y है ना, ये y प्लस फाइव अपॉन थ्री आएगा, ये आ गया, इसमें y की जगह x रिप्लेस कर दो। नाउ रिप्लेस वाई वाई एक्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव हो। ठीक है, बस यही पैटर्न हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के जब क्वेश्चन किए आएंगे नोट कर लो, कर लो।
एफ एक्स एफ वाई माइनस वन बाई टू एफ एक्स वाई प्लस क्या कह रहे मल्टीप्लिकेशन में ऑप्शन है इसका ए जीरो बी वन बाई टू एफ एक्स एफ वाई सी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई डी नन ऑफ क्या करें बताओ पहले क्या समझ में आ रहा है यानी कि जहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है वहाँ लो जी कोस लो जी एक्स और जहाँ वाई है वहाँ कोस लो जी वाई है ठीक है इसको लग सकते हैं आप कोस लो एक्स ही लिख दो ई को छोड़ के चलते हैं ई अंडरस्कोर के ठीक है लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस वन बाई टू कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस कोस लो ठीक है इतना समझ में आ रहा कोस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस कोस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई ये समझ में आ रहा भाई ये लॉग पढ़ाया आपने टेंथ में तो होगा लॉग थी देखिए अगर लॉग एम एन है एम और एन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n log m प्लस log n ठीक है और अगर log डिवीजन में है तो उसको लिख सकते हैं log m माइनस log ठीक है तो यहाँ वही चीज़ लगाई यहाँ तरह लिख लो माइनस एक बटा दो लिखते हैं cos log x cos log y
इसको मानिए सी और इसको मान लीजिए डी, कोस सी प्लस कोस डी का, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, लॉग एक्स लॉग वाई, यानी कि दोनों को हम इन्हें जोड़ेंगे बाई टू, और कोस सी माइनस डी, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बाई, यहाँ पे लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल, यहाँ लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल, ये तो जो बतो आएगी टर्म, कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई माइनस, देखिए टू से टू कैंसिल कर दो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, एक लॉग एक्स दो लॉग एक्स, दो लॉग एक्स बटे दो कितना जगह सिर्फ लॉग एक्स, ये क्या रहेगा कोस लॉग एक्स, इससे क्या बचेगा लॉग वाई टू लॉग वाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, माइनस लॉग वाई कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा लॉग वाई कोस लॉग वाई, ये और ये टर्म सेम है, ये से कैंसिल, इंजीनियरिंग के हो या किसी भी कॉम्पिटिशन के मैथमेटिक्स में जहाँ जीरो लग गया ना, जीरो ऑप्शन में है तो सबसे संदिग्ध है कि जहाँ जीरो के लिए यहाँ, उसके बाद नंबर आता है वन का,
सी सेट रिलेशन फंक्शन की यही आता है। इस पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े जाते हैं आपको, इतने क्वेश्चन आते हैं ना। माइनस एक्स की पावर एन और सारे की पावर वन अपॉन एन, वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, ए जो है जीरो से बड़ा है और जो एन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है।
है लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका तो देखिए फंक्शन को x दिया हुआ हमारा है e माइनस x की पावर n की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। हमें निकालना f को एफ एक्स, इसको लिखेंगे f और एफ एक्स, f एफ एक्स की जगह जो तो ये लिख देंगे e माइनस एक्स एन की पावर 1 अपॉन, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ x है तो x किस में से लेस हो रहा है, a में से। ऐसे ही जब यहाँ ये x है तो f इसके इक्वल होगा a माइनस ये, ठीक है। a माइनस एक्स तो ये हुआ और इसकी पावर n और फिर सारे की पावर एक बटा n, इसकी तरफ उसकी पावर एक, ठीक है। क्योंकि a माइनस एक्स की पावर क्या है, n है और फिर सारे की पावर क्या है इसकी, एक बटा एन, तो सारे की आएगी। अब देखिए यहाँ कैंसिल के है, हम इस एन से इस एन को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट पे है, लेकिन इस एन को इस एन से कैंसिल किया जा सके। ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर वन अपॉन एन, ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन की पावर वन अपॉन एन, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया एक्स की पावर एन की पावर वन अपॉन एन और एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स,
एज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5 देन एफ इनवर्स एक्स जरा एक मिनट करके इसे कर लो x इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 5 एफ एक्स को लिखेंगे y ठीक है x की 3 इक्वल टू क्या होगा y माइनस 5 x इक्वल टू क्या होगा y माइनस 5 की पावर 1 अपॉन 3 x को क्या लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5 की पावर 1 अपॉन 3 y को रिप्लेस कर देंगे x से एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 की पावर 1 अपॉन यही देखिए ये दिया हुआ है इसको हमने जुआ तो लिखेंगे एफ एक्स को क्या लिखेंगे हम वाई क्योंकि वाई क्यों लिखेंगे जो सेट मान लिया इसमें एलिमेंट एक्स है इसमें आई ये है इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ क्या है वाई इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ क्या है वाई इसे चाहे ऐसे लिख लो और चाहे इसको ऐसे ठीक है तो y इक्वल टू ये अब इसको हम x को y के टर्म में लिखेंगे यहाँ y क्या है x के टर्म में अब लिखेंगे x को y की टर्म में तो x एक साइड रखेंगे बाकी सारी चीज़ें उसके साथ चाहे पहले जुड़ी हुई चाहे बाद में चाहे पावर में चाहे कहीं भी हैं वो सारी y के साथ है y अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होने वाला है स्वतंत्र के तो x की पावर 3 इक्वल टू वाई माइनस 5 एक्स की पावर कितनी है क्यूब तो इधर लेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा अब x क्या है f इनवर्स y नहीं है यानी कि प्री इमेज ऑफ y क्या है x तो
एक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई, ठीक है, तो वाई माइनस फाई। अब वाई को एक्स की जगह रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है वहीं पर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, क्योंकि इधर फंक्शन क्या है, इधर से इधर उल्टा चलेगा तो एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स का मतलब क्या है, अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ है, यानी कि इमेज ऑफ वाई अंडर एफ इनवर्स इक्वल टू क्या है, इसको ऐसे ही तो पढ़ेंगे, दोनों फंक्शनों को पढ़ना सीखो, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इक्वल टू वाई, ये तो हो गया, ये इसको क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ वाई अंडर एफ इनवर्स क्या है, एक्स, ये सिंपल फंक्शन में इसको इनवर्स फंक्शन, ये ज़्यादा आसानी से जब भी कभी कन्फ्यूजन हो इस डायग्राम को माइंड में रखना, अगर ये मेरे दिमाग में नहीं रहेगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर ये भी ना रहे, ये भी ना रहे, तो फिर कम से कम ये ध्यान कर लो कि भाई एफ एक्स इक्वल टू वाई है, इस एफ को यहाँ से हटाएंगे तो इधर ये इनवर्स में चले जाए, इतना ध्यान रखो, सिंपल मैथमेटिक्स, जैसे इधर जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिवीजन में चले जा, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ फंक्शन है तो उसका इनवर्स में इधर इनवर्स चले, ठीक है भाई। इसी के साथ आज आपका लेक्चर समाप्त, और आपका जो सेट रिलेशन और फंक्शन है ये हो गया, एंड हो चुका है, क्या कह रहे, ठीक है भाई, सेट रिलेशन और फंक्शन जो भी कंटेंट था आपके लेक्चर पूरे हो चुके हैं, जो नया टॉपिक्स है शायद कॉम्प्लेक्स नंबर जो उनका भी होगा उसको दूसरे टीचर लेंगे, हम फिर जब कभी दोबारा हमारी क्लास लगेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। और आज ये बताइए, ये जो 9-10 दिन पढ़ाया है कैसा लगा, पढ़ गया आपको, ठीक लगा, चलो देखते हैं दोबारा मुलाकात होती है, सिस्टम बंद कर देते हैं।